हेलो एवरीवन, मेरा नाम है हरीश दहियंडे और स्वागत है आपका हर्ष आर्ट क्रिएशन ड्राइंग और पेंटिंग क्लासेस में। आज हम लोग एक और लैंडस्केप करने वाले हैं यूजिंग ऑयल पेस्टल्स। तो चलो इसे शुरू करते हैं। लास्ट वाला लैंडस्केप हमने बहुत ही खूबसूरत बनाया था, तो इस बार और एक प्यारा सा लैंडस्केप बनाते हैं। बुक को इस तरह से वर्टिकल पकड़ना है आपको, ओके? होल्ड योर पेंसिल लाइक दिस विथ टू फिंगर डिस्टेंस, डोंट फॉरगेट दैट थिंग। पेंसिल को पीछे पकड़िए, यहां से थोड़ा डिस्टेंस, ओके? एक दो तीन चार पांच, ये पांच छोड़ के यहां से स्टार्ट करना है और यहां पर आके रुकना है। यहां से थोड़ा डिस्टेंस के बाद यहां से एक स्लीपिंग लाइन हल्का सा लाइटली बना ही लीजिए, एक लाइन बनाना है और यहां से स्टार्ट करना है ऐसे, जस्ट लाइक दिस, ओके? फिर यहां पर आपको एक बड़ा सा बोर्ड बनाना है, यहां से एक स्लीपिंग लाइन, देखिए इतना चार फिंगर का डिस्टेंस रखा है, अप्रोक्सीमेटली इतना डिस्टेंस, यहां पर ये और यहां पर इतना डिस्टेंस, बस इतना ही ड्रॉ करना है। हो गया ड्राइंग आपका, गुड। नाउ टेक आउट योर कलर्स। पहले कलर्स बाहर निकाल लेते हैं, फिर मार्किंग करते हैं। पिंक कलर, लेमन येलो कलर, लाइट ब्लू कलर, मिल गया, डीप येलो, डीप येलो। उसके बाद रेड कलर, गॉट इट, गुड। उसके बाद लाइट वॉलेट, फिर ढूंढिए मरून कलर, रेड की डार्कर शेड होती है मरून, वो उसको भी निकालिए बाहर, मिल गया। उसके बाद डार्क ग्रीन, फिर पर्शियन ब्लू, मिल गए, देन ब्लैक और लास्ट इज डार्क वॉलेट, डार्क वायलेट, ओके? इतने शेड्स हम लोगों को लगने वाले हैं आज। सो सबसे पहले इन कलर्स को साइड में रखते हैं एंड विल स्टार्ट विद द पिंक कलर। ये पिंक कलर है, इसको लीजिए हाथ में, इसके अंदर आपको स्क्रिबल करना है, ओके? पूरा ये जो लाइन दिख रहा है ये इसमें पूरा स्क्रिबल करना है। अभी थोड़ा सा मार्क कर लीजिए, बस डन। फिर लाइट ब्लू कलर लेना है, लाइट ब्लू कलर से यहाँ पर लाइटली कलर देना है, जैसे हम हमेशा वाटर में करते हैं उस तरह से। इस बार स्काई में ये डीप येलो करना है, ठीक है? डीप येलो इन द स्काई और लेमन येलो यहाँ नीचे, रेड कलर प्लेन कलर फॉर द बोट, ये वाली बोट को अभी नहीं करना है। और हमें ऑरेंज कलर भी लगेगा तो उसे भी ढूंढ के ऊपर निकाल के रखिए, वो हमें बाद में लगने वाला है। इतने प्लेन कलर पहले कर लेते हैं और सिर्फ ये जो पिंक ट्री है इसके अंदर आपको स्क्रिबल करना है, तो उसका कलरिंग स्टार्ट कर देते हैं। तो आप कलरिंग स्टार्ट कर दीजिए जल्दी से, छोटा छोटा स्क्रिबल करना है, ऐसे बड़ा बड़ा स्क्रिबल नहीं करना है, स्मॉल स्क्रिबलिंग, ओके? इसके थोड़ा बहुत बाहर गया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये एक बहुत ही सुंदर ड्राइंग है, कंप्लीट होने के बाद ही पता चलेगा आपको हम क्या बना रहे हैं।
ओके, इस तरह से आपको इसको कलर करना है। डन। फिर ये डीप येलो लेना है, डीप येलो से ये स्काई में यहां पर प्लेन कलर करना है, ये डार्कली करना है विदाउट व्हाइट डॉट्स। स्टैंडिंग स्लीपिंग कैसे भी स्ट्रोक ले सकते हैं आप, क्योंकि ये प्लेन ही है और डार्कली करना है। अभी हम लोगों ने ऑरेंज लिया था ना, तो स्काई का काम खत्म ही करते हैं, उसमें ऊपर के साइड में यहां पर थोड़ा सा ऑरेंज देना है, ये इस तरह से थोड़ा सा ऑरेंज देना है, नीचे आते वक्त थोड़ा शेडिंग करना है। ओके, और इसको अच्छे से मिक्स हो जाना चाहिए, इसको ब्लेंड कर देना है, उसके ऊपर वापस एक बार डीप येलो घुमाएंगे आप तो परफेक्टली मिक्स हो जाता है। इसके बाद अभी ये ब्लू कलर लेना है, ब्लू कलर लाइटली देना है आपको वाटर के अंदर, स्लीपिंग स्ट्रोक करेंगे तो भी चलेगा, ये बोर्ड पे चला गया तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज उसको ब्लैक कलर ही करना है। ये वाले बोर्ड पे मत जाने दीजिए हो सके तो, बिकॉज यहाँ पर हमको रेड कलर करना है उसमें। डन, ब्लू कर लीजिए, ब्लू हो गया आपका। उसके बाद ये वाला जो बोट है इसके अंदर रेड कलर प्लेन कर लेते हैं। ये बोट को पूरा ही रेड करना है। फिर लेमन येलो कलर लेना है, यहां नीचे पूरे पार्ट में लेमन येलो कलर देना है हमें। हो गया आपका भी। अगर आपका स्पीड थोड़ा कम है, मेरा थोड़ा ज्यादा फास्ट हो रहा है, तो आप वीडियो को पॉज करके फिर अपना काम खत्म कर सकते हैं। ठीक है, इतना हो गया। नाउ टेक आउट योर व्हाइट कलर। व्हाइट कलर का लेना है और ये जो वाटर का पार्ट है इसमें प्लेन डार्कली दे देना है, पूरा डार्क करके करना है उसे प्रेस करके। ठीक है, इस तरह से उसको कलर करना है। हो गया। इसके बाद मरून कलर लेना है आपको, और ये मरून कलर से ये पिंक ट्री के ऊपर स्क्रिबल करना है वापस से। ये जो पिंक किया है आपने स्क्रिबल, उसी के ऊपर मरून से अभी स्क्रिबल करना है आपको।
उसी तरह से छोटा छोटा स्क्रिबल करना है, बीच बीच में वाइट डॉट्स अगर दिखाई दे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जस्ट डू स्क्रिबलिंग लाइक दिस, स्मॉल बिग कैसे भी, बहुत बड़ी नहीं करनी है, थोड़ी मीडियम साइज की स्क्रिबल करिए, बहुत छोटा छोटा भी नहीं। डन। इसके बाद लाइट वॉलेट लेना है, लाइट वॉलेट से भी थोड़ा सा स्क्रिबल उसके ऊपर कर देना है। लाइट वॉलेट से आप बड़ा बड़ा स्क्रिबल कर सकते हैं उसके अंदर, वैसे भी अभी पिंक और मरून से वो पूरा भर ही गया है, तो हल्का सा वॉलेट शेड उसमें नजर आना चाहिए। हो गया इतना गुड। नाउ डार्क ग्रीन कलर लेना है, और डार्क ग्रीन को कैसे करना है देख लीजिए, मैं ऐसे स्ट्रोक्स दे रहा हूँ, सिर्फ ये फास्ट कर रहा हूँ ऐसे, तो ऐसे लग रहा है लाइन्स दे रहा हूँ, ये इस तरह से स्ट्रोक देना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बस थोड़ा फास्ट करूँगा ताकि ये जल्दी ख़त्म हो जाए, आप भी ट्राई कर सकते हैं ऐसे स्ट्रोक्स देने बट फास्ट देने हैं। ओके, बेसिकली ग्रास बनानी है यहाँ पर। ओके, ये डार्क ग्रीन से सारे ग्रास कर लिए हैं, अभी पर्शियन ब्लू लेना है और उससे भी थोड़े से ग्रास करने हैं, तो ये थोड़े से डार्क ग्रीन वाले ग्रास मिलेंगे आपको। जल्दी से खत्म कर लीजिए उसको। हो गया, अभी रेड कलर लेना है, रेड कलर से इसके ऊपर डॉट्स करने हैं थोड़े से, जो येलो पार्ट है उसके ऊपर करेंगे तो अच्छा वाला रेड आ जाएगा अपने आप, सो दे विल लुक लाइक अ फ्लावर। ओके, हो गया यहां तक आपका। ग्रेट, नाउ डार्क वॉलेट कलर लेना है और इससे ऐसे इसका ट्रंक बनाना है। अभी थोड़ा सा पर्शियन ब्लू लेते हैं, वो भी वहां पर दे देते हैं ट्रंक में ही, बहुत मोटा नहीं करना है, थोड़ा मीडियम साइज का, और उसके कुछ ब्रांचेस करने हैं बस। हो गया ग्रेट, अभी रेड कलर से यहां पर एक हाफ सर्कल, छोटा सा हाफ सर्कल, और एक पर्शियन ब्लू कलर से छोटा सा हाफ सर्कल, दो हाफ सर्कल बना दिए छोटे से। हो गया इतना, अब जो बाकी है वो खत्म करिए, तब तक मैं कलर्स रख देता हूं सारे। डन, थोड़ा फास्ट करना होगा आपको। ओके, नाउ ब्लैक कलर लेना है, ब्लैक कलर से इसको आउटलाइन करनी है। किस चीज को आउटलाइन करनी है वो देख लीजिए पहले एक बार, ये ट्री को करना है, यहां पर एक स्लीपिंग लाइन बनानी है, ये बोर्ड को कलर कर देना है ब्लैक से सीधा, इसके अंदर किसी को बिठा देना है, इसका रिफ्लेक्शन वाटरमेट बनाना है। ओके, उसके बाद
ये रेड इसको आउटलाइन करनी है बोट को, इसका भी थोड़ा सा रिफ्लेक्शन ऐसे वाटर में बता देना है जस्ट लाइक दिस, और ये स्टेम के अंदर थोड़ा थोड़ा ब्लैक देना है, ब्रांचेस में नहीं जाना है, सिर्फ स्टेम में थोड़ा हल्का सा देना है, और ये जो दो हाफ सर्कल बनाए थे उनके ऊपर दो सर्कल्स बनाने हैं लाइक दिस, सो दे विल लुक लाइक अ फिगर्स राइट, और एक दो बर्ड्स काय में बना देने हैं, और नीचे थोड़े 5 to 10 ग्रास यूजिंग ब्लैक कलर, और थोड़ा डेप्थ आ जाता है उसमें। ओके देखिए आपका प्यारा सा लैंडस्केप बन के रेडी हो चुका है, अभी आप इसको फ्रेम करके लगा सकते हैं या इंस्टाग्राम फेसबुक पे डाल सकते हैं या कोई भी सोशल मीडिया पे लिंकेड पे वगैरह डाल सकते हैं। ओके और भूलिए मत हर्ष आर्ट क्रिएशन को टैग करना। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो भी बाकी है खत्म कर लीजिए काम अपना, चलो बाय एवरीवन, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।